हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहित जाट है। मैं राजस्थान के पाली शहर से बिलोंग करता हूँ। रिसेंट में मेरा आरबी क्लर्क आरएमजी भी राजस्थान से क्लियर हुआ है। 2019 में मेरा ग्रेजुएशन खत्म हो गया था। उसके बाद से मैंने बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैंने अब तक बहुत सारे एग्जाम दिए हैं। पहले 4-5 एग्जाम में तो मैं प्री भी क्लियर नहीं हुआ, फिर प्री क्लियर होना स्टार्ट हुए, पर बात वही मेंस पे जाके अटक जाती थी। हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंस रह जाता था। लास्ट ईयर भी LPS क्लियर में मैं 2 मार्क्स रह गया, और IBPS क्लियर में मैं 0.25 से रिजल्ट लिस्ट में रख दिया गया। और फाइनली इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया है। और मॉक्स की बात करें तो मैंने प्रैक्टिस मॉक्स दिए के मॉक लगाए थे। इनके मॉक्स का लेवल एग्जाम से लेवल हाई होता है। और रीजनिंग और क्वांट के लिए मैंने प्रैक्टिस मॉक और अड्डा के मिनी मॉक्स लगाए थे, और इसके साथ ही प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए थे। और इंग्लिश के लिए मैंने न्यूज़पेपर को फॉलो किया था। और करंट अफेयर्स मेरा बहुत वीक था, और मैंने एक सोर्स ही फॉलो किया था जिसके कारण मेरे मार्क्स कम ही आए हैं। पर दो सोर्स फॉलो करना अच्छा रहता है। क्या है कि जब हम एक सोर्स फॉलो करते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन छूट जाती है, पर जब हम दो सोर्स फॉलो करते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन पहले सोर्स में छुट्टी है वो दूसरे में रिकवर हो जाती है। इसलिए दो सोर्स फॉलो करना बेटर रहता है। और आरबी के पेपर की बात करें तो आरबी क्लर्क का पेपर बहुत इजी होता है। प्री मेथ बस हमें थोड़ा स्पीड का ध्यान रखना होता है। और मेंस मेंस का बात करें तो मेंस में इंग्लिश इंग्लिश के कंपेयर में इजी होती है, और रीजनिंग और क्वांट भी डुएबल होता है। रीजनिंग और क्वांट का पेपर IBPS प्रयोग के प्री जैसा ही होता है, और जीके थोड़ा ट्रिकी होती है। और कभी कभी एग्ज़ाम क्या होता है कि जब हम रीजनिंग में पजल बना रहते हैं तो एक ही पजल पे स्टक कर जाते हैं, उसे बार बार बनाते जाते हैं और हमारा पूरा पेपर बिगड़ जाता है। क्या होता है कि जब हम एक पजल को एक बार बनाते हैं और वो नहीं बनती है तो हमारे 5 मार्क्स कट जाते हैं जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, पर जब हम उसी पजल को दोबारा बनाते हैं और फिर भी नहीं बनती है तो हमारे 10 मार्क्स कट जाते हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब हम पेपर अटेंड करें और हमें लगे कि हम किसी एक पजल पर स्टक हो रहे हैं तो उसे छोड़ दें, और अगर टाइम मिले तो ही उस पजल पर दोबारा आए। ठीक है। और संघर्ष की बात करें तो सबकी लाइफ में अपने अपने संघर्ष होते हैं। क्या पड़ोसी और रिश्तेदारों के ताने तो फिक्स ही है। हमें उन पर ध्यान नहीं देना है, बस अपने आप पर फोकस करना है, और हमें कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है। हर रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ना ही है, और थोड़ा पेशेंस रखना है। थोड़ा टाइम लगेगा पर पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू।